बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज है अनुराग का बर्थडे, तो अनुराग को भी मैंने उठा लिया है और फिर फटाफट से चलते हैं उसके पास केक लेके और देखते हैं अनुराग का रिएक्शन। उसको पता नहीं है कि हमने उसके लिए केक बनाया है रात का। तो सरप्राइज अनुराग, उठो उठो उठो, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंडित जी भी आ गए हैं और हम अनुराग को सरप्राइज दे रहे थे अभी। लो हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे बनाए? अच्छा है। अनुराग भी हो गया है रेडी और पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी कर रही है। अच्छा जी, प्रसाद हमारा हो चुका है रेडी और मैंने यहाँ डाल दिया है। स्मरी पुंडरे काक्षायं सोवारे आभ्यंतरावती पुंडरी काक्षायं पुनम तोभ्यो नमः नमा नारायण है नमो मालवाय नमो केशवाय नमो पिलो श्री स्वयते लक्ष्मी पतनो बाहो रात्रि खत्रयाणी लक्ष्मी आवायामि यम पूजयामि स्थापयामि भ्यो नमरे नमः श्री स्वयते लक्ष्मी ताहा भ्यो समरे प्यामरे भ्यो छोड़ दोई उजलम महाकलाये नमरे नमामि ओम आ कृष्णे रसा वर्तमान नवे पूजयामि स्थाप्य ओम सूर्याय नमो चंद्राय नमो भौमाय नमो बुद्धाय कृष्ण राहु केतु गैरवा श्री पूजनम महाकलाय नमो छाया मातंडाय नमो लगा दे नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम। लो बंद, मेरे को बंद यहाँ डबल ऐसे कर दे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम। तो जी पूजा हो चुकी है समाप्त और अनुराग भी रेडी हो चुका है स्कूल के लिए। अनुराग लंच अपनी बॉटल पे डालो जाने के लिए और अभी ब्रेकफास्ट करवाएंगे पंडित जी को और उसके बाद पंडित जी भी जाएंगे क्योंकि उनको जाना है मंदिर। तो जी अनुराग का पॉट भी हो चुका है रेडी और ये वाला प्लांट लेके जा रहा है अनुराग स्कूल अपने बर्थडे पे, क्योंकि स्कूल वालों ने इनिशिएटिव लिया है कि अपने बर्थडे पे बच्चे जो लाते हैं ना मिठाई और कुछ कुछ ऐसी चीजें उसकी जगह ये लेके आए हैं पॉट और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी अब यही क्या करूँगी, हर किसी को जिसका भी बर्थडे होता है उसके लिए ऐसे पॉट तैयार करके वही दिया करूँगी। तो बस अनुराग को दे देते हैं, अनुराग लेट हो रहा है, फटाफट से दे देते हैं अनुराग को। फोटो भी होनी आ जा। तो अनुराग के गिफ्ट्स वगैरह तो रह गए देने के लिए क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, अभी जब आएगा उसके बाद ही देंगे अनुराग को सरप्राइज गिफ्ट। चलो फिर, चलो फिर ठीक है, ध्यान से जाना ठीक है, जाओ भाई, बाय बाय। तो जी फ्रेंड्स, सुबह पूजा करने के बाद अनुराग तो चला गया स्कूल, उसके बाद पंडित जी को नाश्ता वगैरह करवाया वो भी चले गए, हस्बैंड और मैंने भी नाश्ता कर लिया, वो हस्बैंड भी चले गए और मैं बच गई हूँ घर पे। और मैं अभी सारा प्रसाद जो सुबह बनाया था हमने हलवा और जो मैंने रात को केक बनाया था अनुराग के लिए और सुबह सरप्राइज में दिया था, लेकिन वो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत शूट हुआ जितना भी हुआ क्योंकि जल्दी तैयार होना था, अनुराग को नहाना था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ भी शूट ही किया। बस अनुराग को केक पसंद आया तो अभी मैं वो सब प्रसाद मम्मी वगैरह के लिए देने जा रही हूँ और साथ ही साथ हम इन्वाइट भी करेंगे क्योंकि आज हम करेंगे फैमिली गेट टुगेदर और शाम को खाएंगे डिनर वगैरह यहीं पर बनाएंगे सभी के लिए। तो बस वो इन्वाइट भी कर दूँगी, थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह अनुराग के आने से पहले कर लेंगे, शाम को हम करेंगे छोटी सी पार्टी। तो जी फ्रेंड्स, अनुराग के जाने के बाद मैं गई थी प्रसाद देने के लिए और उसके बाद बैठी रही सुजाता वगैरह के साथ गप्पे शप्पे मारने के लिए और खूब सारी गप्पे शप्पे मार के अभी हम आए हैं और अभी सुजाता भी आ गई है और मनीषा भी आएगी अभी। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ी सी बर्थडे के लिए, इस वाली जगह पे करेंगे हम यहाँ पे डेकोरेशन और सुजाता आई है मेरी मदद करने और मनीषा भी आई है अभी, भी वो नहा रही है। हाँ, इसमें सेल पड़ेंगे, सेल नहीं है अभी, सेल लाने पड़ेंगे।
तो मीशा भी आ गई है अभी, और अब हम करेंगे तैयारियां, फिर दिखाएंगे आपको तैयारियां करने के बाद। इस वाली की, इस वाली इधर इधर। अच्छा, श्वेता फुला रही है गुब्बारे, देखो डर डर के फुला रही है, कहीं फट ना जाए, मेरी गाल ना लाल हो जाए कहीं। और ऐसी कुछ डेकोरेशन की हमने, कैसी लग रही है हमारी डेकोरेशन? अभी थोड़ी हुई है, आधी हुई है, अभी कर रहे हैं अभी हम। डेकोरेशन तो हमने कर ली है, अब करते हैं शाम के खाने वगैरह की तैयारी और पकौड़े बना लेते हैं। बाकी ऐसे कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन तो है नहीं, पकौड़े बनाएंगे और साथ ही साथ डिनर की तैयारियाँ करके रखते हैं, ताकि हम पकौड़े वकौड़े पार्टी करने के बाद थोड़ा बहुत डांस वांस भी कर लें। और अनुराग भी आ चुका है स्कूल से इसी बीच में। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बॉय। तो अनुराग के लिए मैंने दो सरप्राइज रखे हैं, जो कि मैं सुबह नहीं दे पाई थी अनुराग को, वो मैं अभी देती हूँ अनुराग को। ये कुछ सरप्राइज है आपके लिए, ऐसे ही दे देती हूँ मैं, कोई गेम घूम तो करी नहीं मैंने। एक ये सरप्राइज है और एक खुला ही है, ये सरप्राइज। दोनों में से आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी वो ड्रेस आप पहनेंगे। ये दो ड्रेसेस है, इधर तो बैठ जा, बुढ़े की तरह बैठा हुआ, बूढ़ा ही है ये तो। कैसी लगी, कैसी लगी ये वाली? वाह, नहीं ये वाली नहीं, वो वाली पहनना, आपने बोल वो वाली पहनना ना, ये वाली तो आप कभी भी पहन सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जाना है कहीं, वहाँ पहन सकते हैं। हमारे हमारे मिस्टर शेफ भी है बिजी अपने पकौड़े तलने में। कैसे जी, आप खुश है? बड़ी खुश है जी। किस बात के लिए खुश है? बर्थडे आज, बर्थडे आज मेरे बर्थडे का बर्थडे है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ऐसे नाचो ना थोड़ा। वो दो क्या दो? बेसुन दो, अभी बिजी है मैं, अभी बिजी है, बाद में नाचेंगे, भंगड़ा पावांगे। यहाँ बन रहे हैं पकौड़े की तैयारी, यहाँ मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, यहाँ बन रहे हैं छोले, ये बन रही है हमारी मिक्स वेज, और यहाँ बन रहे हैं पकौड़े। तो जी फ्रेंड, सारी तैयारियाँ हमने कर ली है। सबसे पहले गेस्ट है हमारे दीदी, और ये है हैनिश, और ये है यशु, और ये है अनुराग के फ्रेंड्स, है ना अनुराग भैया के फ्रेंड्स, और ये है प्रिंसेस। मम्मा कहाँ चले गए? मम्मी घर पर हैं। आएंगे अभी? अच्छा, और ये प्रिंसेस बहुत शरीफ है, शरीफ है, शैतान है कि शैतान है? आ जाओ अभी बाहर ही खेलना, आ जाओ। हाँ बोला, आ जाओ अंदर आओ, यहाँ देखो पिंशी जी दीदी भी आओ। ये हमारे शनमित जी है, मत करो मत करो, हिंदू नहीं डालते माउथ में। आओ बैठो, आओ आ जाओ इधर, कहाँ जाना है आपको? भैया को लेने। हाँ अभी चलेंगे, अभी रुको, सबको आने दो, अभी चलेंगे। तो हमारे सभी गेस्ट पहुँच चुके हैं, ये है हमारे, आज हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, वेरी कंग्रेचुलेशन टू हिम, गॉड ब्लेस हिम वेरी मच, भगवान उसको बहुत तरक्की दे जीवन में, हम यही आशीर्वाद देंगे उसको। अभी उसको आने दो, फिर उसके बाद देना, अभी तो हमारे को दिया आपने। अब मेरे को नहीं पता, मैंने दे दिया आपने दिल से, जो मेरे दिल से निकला। अच्छा जी, ठीक है जी। और ये रहा हमारा शरारती बच्चा, शरारती बच्चा है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। हमारे चीफ गेस्ट, चलो भैया को लेने, हम भी जाएंगे बोला भैया को लेने, चलो चलो हम भाई भैया को लेके आएंगे। ये लाइक करना बंद, वो भी करना, वहाँ से बंद, ये भी हैप्पी बर्थडे वाली, ये दें दो हैप्पी बर्थडे वाली, वो वाली करनी, अंदर भी करो बंद। चलो 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 भाई, हम भैया को लेके आएंगे। आ जाओ अंदर चिल्लाओ, चलो भाई चलो 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 भी चलो 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 चलो। चलो भाई चलो, आ गए हमारे चीफ गेस्ट, अब फटाफट से केक काटेंगे हम, बहुत इंतजार हो गया अब, है ना। चलो भाई काटो केक। Happy birthday, dear Anurag.
आओ एक यम भी तो है ये प्रिंसेस इधर देखो इधर एक मिनट एक मिनट को देखो इधर साइड बैठो आप एक इधर को अभी देंगे काका है ना और देंगे कि कभी और देंगे थोड़ा सा खा लेना खुद खाएंगे थोड़ा 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 इतना खा रहे कोड़े कैसे ऐसे क्या मेरे को क्या पता चल रहा है पहले खा लो फिर बोलना ठीक है यश आपको कैसे लगे बहुत अच्छे और दूं और नहीं अनुराग को कैसे लगे पकौड़े अच्छे है ताई को बहुत अच्छे भी ताई को भी अच्छे लगे मासी को बहुत टेस्टी भैया को अच्छे छोटे भैया को तो और भी अच्छे लगे और बुआओं को मैं तो पहले बोले बहुत स्वाद बनाया पकौड़े पहले का बोला था थैंक यू थैंक यू इसका सारा श्रेय जाता है हमारे मास्टर शेफ जी को इन्होंने बनाए पकौड़े तो पकौड़े वगैरह खा के और पार्टी पुट्टी बना के अब हम आ गए खाना बनाने के लिए अब हम बना रहे फटाफट चपातियाँ सब्जी और दाल तो हमने पहले ही बना के रखी है अब हम बना रहे फटाफट चपातियाँ चपातियाँ बनाएंगे खाना पीना खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे थक भी गए अभी खा रहे बच्चे बच्चे पार्टी खाना फिर खाएंगे बड़े बड़े वाला अभी छोटे छोटे बच्चे बच्चे खा रहे हैं खाना एक बच्चा यहाँ भी है हमारे पास ये देखो कैसे बनाए खाना खाओ फिर ना भूखे नहीं रहना पूरा पूरा खाना है ठीक है पूरा खाना है खाना भूखे नहीं रहना तो जी फाइनली फ्रेंड्स सभी छोटे बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसके बाद सभी को खाना खिलाया हमने खाना खाने के बाद सोने के लिए आ गए हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी गर्मी होगी हमने सोचा कि नीचे ही सो जाते और मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड भी नीचे जाके करूँगी और काफ़ी इंजॉय किया हमने बस एक चीज़ का मलाल रहा मुझे कि जो मैंने गिफ्ट मंगाया था अनुराग के लिए वो नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं थोड़ा सा बुरा तो लगा पर चलो देखते हैं अभी आगे एक दो दिन में बोला है कि पहुँच जाएगा अगर पहुँचेगा तो ठीक है नहीं पहुँचेगा तो भी देखेंगे कहीं और से मंगवाएंगे नहीं आएगा तो रिफंड करवा लेंगे क्योंकि उसकी पेमेंट मैंने कर दी थी ऑलरेडी तो देखते हैं अभी जैसा भी रहेगा आप सभी को बता देंगे लेकिन अमेज़ॉन की वजह से बर्थडे सेलिब्रेट करने में थोड़ा सा मलाल है मुझे कि मैंने इतना अच्छा गिफ्ट चूज़ किया था और वो टाइम पे उसकी डिलीवरी भी थी 10 तारीख को पहुंचना था वो नहीं पहुंचा और बस यही थोड़ा सा मलाल है कि पहुंच जाता तो अनुराग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता बाकी तो बहुत एंजॉय किया हमने बर्थडे बहुत आनंद आया और बस इस ब्लॉग का यही पेंट करती हूँ करती हूँ कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें मिलते हैं कल एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय 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 एंड बाय बाय